Hello guys, so welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. अगर आप भी कर रहे हैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स की स्टडी, बीबीए, एमबीए, क्लास 11, 12 में भी बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए ना क्रिस्टल क्लियर सारे सब्जेक्ट्स सारे बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स की, तो कहीं और नहीं जाना है। इस चैनल में लगातार मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ डेली टू डेली, ढेरों ऐसी वीडियोज जो आपके कॉन्सेप्ट को कर देंगे क्लियर। मेरा पर्पज यही है कि बिजनेस रिलेटेड हर टॉपिक की वीडियो मैं लेके आऊँ और आपका कॉन्सेप्ट कर दूँ एकदम क्लियर। आप गुड टू गो हो जाओ फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स और इवन फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशंस, जब भी किसी मैनेजमेंट पोजिशन में जाओ या कहीं भी, ठीक है जी। तो उसके लिए यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, बहुत जरूरी है, और कहीं भी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। सो टुडेज टॉपिक इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जितने हैवी वर्ड्स देखने में लगते हैं उतना ही सिंपल इनका कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर करवाता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जब आप ये समझोगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी वीडियोज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी आर कवरिंग द सब्जेक्ट ऑफ, वी कैन से द ओवरऑल बुक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कर देती हैं एकदम क्लियर, ठीक है, कि आपको बिल्कुल बढ़िया से आ जाता है। सो वो वीडियोस आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेट्स टॉक अबाउट कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जहां पर डिसीजन मेकिंग जो होती है इट इज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन लेने के लिए। जो मेन जो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है कहीं ना कहीं हम कहेंगे वो कुछ ही लोगों के आसपास हो रही होती है, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। और वो कुछ लोग कौन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन में। भैया मिडिल लेवल को या लोअर लेवल के पास जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। जो पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसको दे दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हाथों में है, और वो कुछ हाथ किसके हैं, टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के हैं या टॉप मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों के हैं, एग्जीक्यूटिव्स के हैं जो टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं, या वो सभी लोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एकदम सेंट्रलाइजेशन कर दिया है कंपनी का, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो दे दी गई है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द कंपनी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द कंपनी हम किसको कह रहे हैं यहां पर, जो भी हमारे क्या है टॉप लेवल एम्प्लॉय, टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं उनको हमने क्या दे दिया, उनके हाथ में है डिसीजन मेकिंग पावर। मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे डे टू डे ऑपरेशन में, व्हाटएवर मेजर डिसीजंस जो भी लिए जाएंगे वो सीधे सीधे उनके हिसाब से ही लिए जाएंगे। वो हां कहेंगे तो ही हां होगी, वो ना कहेंगे तो ही ना होगी। समझे सेंट्रलाइजेशन का मतलब। सो सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसके हाथ में, ऐसे आप कर लो, टॉप मैनेजमेंट के हाथों में। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथों में, भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस वेयर डिसीजन मेकिंग इज इन फ्यू हैंड्स एंड दोज हैंड्स आर ऑफ टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। So whatever decision and actions occurring at the lower management, जो भी decisions लिए जाएंगे या actions होंगे उन decisions के हिसाब से हमें क्यों भी जो भी follow up action लेना होगा वो सारे ही कौन लेगा, वो सारे ही कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा। तो जो भी decisions लिए जा रहे होंगे, जो भी actions जो है perform होंगे, follow up actions भी जो भी perform होगा, इवन के लोअर मैनेजमेंट पे, आप बोलोगे लोअर मैनेजमेंट पे जो डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं, जैसे मैनेजर ने कुछ कह दिया कि भैया हाँ रॉ मटेरियल की कमी है तो रॉ मटेरियल और मंगवा लो, ये उसने क्या अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, भैया इंटेलेक्चुअल तो उसी का है, लेकिन उसको ये डिसीजन मेकिंग पावर किसने दी है, दी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछना है कि भाई मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा हूँ, तब टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर हाँ कहेगा तो मैनेजर मंगाएगा, नहीं तो मैनेजमेंट नहीं मंगा सकता। यही है सेंट्रलाइजेशन का मतलब, कि भले ही मैनेजर मंगा रहा है रॉ मटेरियल लेकिन पावर किसके हाथ में है, ऊपर ही है, ऊपर वाला अगर ना कर देगा तो मैनेजर रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकता। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहो, जैसे भी कहो, पावर जो है वो मेन हाथों में है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में। सो वॉट एवर डिसीजन एंड एक्शंस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि वॉट एवर डिसीजन एंड एक्शन विच आर अकरिंग एट द लोअर मैनेजमेंट और इवन एट द मिडिल मैनेजमेंट, दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इफ द टॉप मैनेजमेंट नॉट अप्रूव्स तो क्या होगा, वो चीज नहीं होगी। इफ टॉप मैनेजमेंट अप्रूव्स तो वो चीज पॉसिबल होगी।
अंडर द सिस्टम की डिसीजंस आर टेकन जस्ट कि आपको क्लैरिटी हो जाए. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि अंडर द सिस्टम की डिसीजंस व्हाट एवर की डिसीजंस आर देयर दे आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. या तो टॉप मैनेजमेंट लेगा या तो जो भी मिडिल या लोअर मैनेजमेंट में डिसीजंस लिए जा रहे होंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट लिए जा रहे होंगे. ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है. सर सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है, क्या होता है? जी हाँ, ये सिस्टम या प्रोसेस देखने को मिलता है, ज्यादातर ये देखने को मिलता है बेसिकली जनरली हम कह सकते हैं स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस. किसमें? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में. बेसिकली जो कंपनी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, है ना, जिसमें ज्यादा बड़े हम कह सकते हैं ऑपरेशंस नहीं चल रहे होते हैं. ठीक है, ज्यादा बड़े स्केल पर लार्ज स्केल में ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते. स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो देखने को कई बार मिलता है. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया. ठीक है कि ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. सर यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग ली जा रही है टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, क्या अच्छी है ये डिसीजन मेकिंग? तो अच्छी होगी. क्या ये डिसीजन मेकिंग स्लो है सर या फास्ट है? देखो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं कहीं ना कहीं इनकी डिसीजन मेकिंग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिसीजन मेकिंग, नेवर माइंड माई राइटिंग, वो स्लो होती है. आप खुद सोचो कि वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट. Even the middle management or lower management, जो भी decisions दिए जा रहे हैं, they are subject to the approval of top management. यानी कि once the top management approves, तभी काम आगे बढ़ेगा. तो भैया इसमें कई बार बहुत ज़्यादा delay हो जाता है, क्योंकि इसका भी एक procedure होता है within the company. अगर हम उस procedure को ही follow करते रह जाएंगे, तो हम कर चुके production. इसीलिए small scale organization में तो चलो फिर भी चल जाता है कि भैया जो भी कर रहा है, वो कौन कर रहा है? Main बंदा कर रहा है, जो भी कंपनी का owner हो सकता है, कंपनी के board of directors हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, या हम कह सकते हैं बेसिकली टॉप लेवल में जो भी एम्प्लॉइज हैं वो ले सकते हैं. लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्ट होना जरूरी है. सो फॉर दैट वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन, वी विल टॉक इन अ बिट अबाउट दैट. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्लो होती है. सर क्यों होती है, एक बार फिर समझा दो. डिसीजन मेकिंग स्लो इसलिए होती है क्योंकि मिडिल या लोअर मैनेजमेंट को पूरी तरीके से डिपेंड रहना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट पे फॉर द डिसीजंस. ठीक है, वो खुद की क्रिएटिविटी तो छोड़ो, खुद का इंटेलेक्चुअल वो यूज ही नहीं कर सकते. ठीक है, एज ए रोबोट उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी डिसीजन उन्हें लेने हैं, इवन द माइन्यूट चेंजेस दैट दे वांट टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट फॉर दैट, अदरवाइज वो नहीं कर सकते ये भी. सो फॉर दैट वी हैव सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस वेयर डिसीजन मेकिंग पावर इज इन फ्यू हैंड्स, और वो हैंड्स किसके हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के. यानी कि डिसीजंस जो लेंगे, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के, उसके एम्प्लॉय सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर भी हो सकता है कंपनी का. तो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे एक फादर है और एक सन है, एक छोटा सा एंटरप्राइज है जो कि मे बी शूज के सोल बनाता है, ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं प्रोडक्शन है इसकी. तो वहां पर क्या है, वहां पर जो भी डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? फादर और सन ही लेते हैं, उन्हीं के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है. सो हम कह सकते हैं वहां पर कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस यूज हो रहा है. तो जहां पर भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है, या हम कह सकते हैं ओनर के हाथ में है, या कोई भी हायर अथॉरिटी के पास में है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वहां पर प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन यूज हो रहा है. वेरी गुड सर, अब मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है. नाउ व्हाट अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन सर? देखो भाई, सेंट्रलाइजेशन का उल्टा इज डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि जहां पर हम डिसीजन मेकिंग पावर को ऐसा ही ना रखे कि भैया हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही नहीं हमारे सारे डिसीजंस लेने और किसी को नहीं लेना. सब कुछ डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, द सीईओज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द ओनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा सिनेरियो नहीं है. डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है, हियर द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम काम को बांट देते हैं. वी नो ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, बी इट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी इट फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी कैन से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वी हैव नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन.
क्यों बनाते हैं डिपार्टमेंट्स, ताकि वर्क को एक्शन को डेलीगेट कर दे। ऑर्गेनाइजिंग हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, ध्यान से जरूर पढ़ना उसको, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपको मिल जाए। ऑर्गेनाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट फंक्शन है, हम प्लानिंग पढ़ के आए, प्लानिंग पढ़ के आए, स्टाफिंग पढ़ी हमने, फिर ऑर्गेनाइजिंग अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो ये सारी ही चीजें हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलिज्म हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भैया काम का प्रेशर एक ही तरफ ना रहे, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बांट दें, हर डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव करें ताकि ओवरऑल मैनेजमेंट का गोल अचीव हो पाए। सिमिलरली हियर ऑल्सो डिसीजन मेकिंग पावर अगर कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, डिसीजन तो बतेरे लेने पड़ते हैं, इतने सारे डिसीजन कुछ ही लोग जब लेंगे तो केओस हो जाएगा, वो इतनी अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही तरीके से अपना इंटेलेक्ट अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि भैया ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है एक कई लोगों को दे दी जाए, और यही होता है कहाँ होता है, लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। देखो ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, क्या भैया सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर रही है, नहीं उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब लेना देना का मतलब है तो कंपनी उनकी, लेकिन वो इतना सब कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बांट दिया है, डेलीगेट कर दिया है अपने सबऑर्डिनेट्स या मैनेजर्स या मिडिल या लोअर मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं उनको भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी कैन से डिसीजन मेकिंग पावर दे दिए कि भैया तुम भी कुछ अपना माइंड या इंटेलेक्ट यूज करो, ताकि ओवरऑल एक स्मूथ फंक्शनिंग मैनेजमेंट की मेंटेन रहे। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर आई कैन से as compared to centralization, या better तो मत कहो। देखो जहाँ पर organization limited operations perform कर रहा है, एक limited छोटी सी company है, वहाँ पर it's fine to be कि वहाँ पर एक centralization process हो, but अगर organization बड़ा है, बहुत ज़्यादा scales में चीज़ें हो रही हैं, trade हो रही है basically, बहुत सारे aspects देखने पड़ते हैं वहाँ पर, हमें branding करनी पड़ती है, promotion करना पड़ता है, हमें finance पर ध्यान देना पड़ता है, हमें tax पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि organization भी बड़ा है, हमें society पर भी ध्यान देना, societal aspects पर भी ध्यान देना पड़ता है organization के, कि we are not harming the society also, so we have so many, कहने का मतलब कि we have so many aspects in the large sized organization, और अगर इतने सारे aspects होंगे तो decisions भी उतने ही सारे होंगे, तो उन decisions के लिए हमने क्या कर दिया, delegation कर दिया है basically। यहाँ पर देखो top management क्या कर देता है, delegate कर देता है अपने subordinates को, उसमें manager आ सकते हैं, उसमें middle level पूरा, इसमें पूरे middle और lower management के लोग आ सकते हैं, उनको कुछ decision making power दे दी जाती है, कि भैया manager को वो देखेगा कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, तो वो ये ना सोचते हुए कि भैया रॉ मटेरियल मंगाओ कि ना मंगाओ मैं जाऊंगा सीधे टॉप लेवल मैनेजमेंट, और सारे प्रोसीजर्स करेगा, ठीक है, ना करते हुए वो ये क्या कहेगा कि मुझे डिसीजन मेकिंग पावर मिली हुई है, कि एट द टाइम जब रॉ मटेरियल पहले से ही पॉलिसीज में लिखा हुआ है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है या सिस्टम है, कि अगर रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है तो मैं तुरंत मंगा सकता हूँ क्या रॉ मटेरियल, ये मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, या कुछ डिसीजन मैं अपने तरफ से ले सकता हूँ, मुझे डिसीजन मेकिंग पावर मिली हुई है, तो भैया आप टाइम बचा सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से कि डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर स्लो देखने को मिल रही थी, बट हियर द डिसीजन मेकिंग इज फास्ट, विच इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से एनी कंपनी, अगर डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी तो हम इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे होंगे जल्दी से जल्दी। सो हियर द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हियर मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई द मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू earlier also, कि middle और lower management ही ज़्यादातर decisions ले रहा है, middle level management employees की responsibility तो obviously बढ़ जाएगी, काम क्यों कर रहे हो, responsible तो है ही वो। अच्छा खैर, authority and responsibility आपको पता है कि नहीं पता है तो description में link है, जरूर समझो authority and responsibility दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, don't get confused between them, a lot of time you will hear about these words, जब भी बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, इट्स बेटर कि आप वो वीडियो देख लो, 7 या 8 मिनट 15-16 मिनट की भी वीडियो है, जरूर देख लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होती है। फिलहाल याद रखो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन में कहीं भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल नहीं होता? नहीं बेटा, देखो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं इवन इन डिसेंट्रलाइजेशन जो लेता तो टॉप मैनेजमेंट ही, या सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के ही वो डिसीजंस लिए जाते हैं,
बट हम कह सकते हैं जो मोस्टली डिसीजंस हैं, जो डेली टू डेली ऑपरेशंस में डिसीजंस चल रहे हैं, वो जो है वो हमारा मिडिल और लोअर मैनेजमेंट ही ले रहा है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का, सीईओस का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. वो भी मेजर डिसीजंस लेते हैं, बट वो डिसीजंस बहुत ही ज्यादा मेजर होते हैं. ठीक है, जो डेली टू डेली विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी, वो ज्यादातर मिडिल और लोअर मैनेजमेंट लेते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों में ही रोल तो है ही टॉप लेवल मैनेजमेंट का, बट इसमें पूरी की पूरी 100% होने का है, इसमें कम है कॉम्परेटिवली. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. कॉन्सेप्ट इज क्लियर बिटवीन वॉट इज सेंट्रलाइजेशन एंड वॉट इज डिसेंट्रलाइजेशन. और मेरे उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सो एक सम अप मैंने क्रिएट किया है आपके लिए. और इस सम अप, इसको पढ़ने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या कह रहा हूँ. एवरीथिंग दैट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सब कुछ जिसमें हम सबऑर्डिनेट्स क्या होता है सर, इंप्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, जो भी काम कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में, अथॉरिटी में. तो बेसिकली एवरीथिंग, जब भी हम सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देते हैं, तो सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करना मतलब सबऑर्डिनेट का रोल कहाँ इंक्रीज होता है, सेंट्रलाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन में? डिसेंट्रलाइजेशन में. वही तो सबऑर्डिनेट्स यानी कि मिडिल या लोअर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को काम दिया जाता है, बांट दिया जाता है काम, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है. तो सब कुछ जिसमें हम सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर दें वो है डिसेंट्रलाइजेशन, और सब कुछ जहां पर हम डिक्रीज कर दें द रोल ऑफ दैट सबऑर्डिनेट, है ना, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर वापस किसके पास चली गई, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन. सो एवरीथिंग दैट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, व्हेन वी इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन वी रिड्यूस और डिक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इट बिकम्स सेंट्रलाइजेशन. सो एवरीथिंग दैट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिक्रीजिंग द रोल इज सेंट्रलाइजेशन. आई होप यू गॉट एन आइडिया. इफ यू गॉट एन आइडिया प्लीज लाइक एंड टेल मी कि आपको हाँ समझ में आ गया है सर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर. सो प्लीज़ कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.